S76 लेक्चर नंबर 2 ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टार्ट हो चुका है। दो सॉफ्टवेयर एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर ये कोर्स कंसिस्टेड है। 15 लेक्चर है, 1.5 महीने का कंप्लीट कोर्स है। आज आपको लेक्चर नंबर 2 दिया जा रहा है, परसों आप सबका लेक्चर नंबर 3 एक स्कॉलरशिप ग्रैंड मेगा सेशन है। परसों का सेशन अटेंड करना, ज्वाइन करना कंपल्सरी। अगर परसों की क्लास मिस हो गई लाइट की वजह से, इंटरनेट की वजह से या किसी भी मसरूफियात की वजह से, इट मीन आप कंप्लीट कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ओवर टू यू मिस, थैंक यू सो मच, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। स्क्रीन जूम कर लीजिएगा प्लीज, स्क्रीन जूम कर लीजिए। जी मैं कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आप सबको वार्म वेलकम। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट सेशन है जो हम सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पर वर्क करने वाले हैं। कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसी असाइनमेंट वगैरह आप बना सकते हैं, आज आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग वर्क है, मजे का काम है। अडोबी इलस्ट्रेटर हम यूज करेंगे। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसे डाउनलोड में आपको ग्रुप व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स आपके बनेंगे उसके अंदर मैं आपको लिंक्स वीडियोस वगैरह शेयर करूंगी, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो हम यूज करके देखेंगे कैसे फर्स्ट क्लास इसकी होती है, कैसे यूज करते हैं, कैसे हम हर चीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेसिकली, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते क्या है? ये होती है जो एक पोस्ट रेडी होती है। ठीक है, एक पोस्ट बनती है, इन एलिमेंट से मिलकर बनती है पोस्ट। इसके अंदर डिफरेंट चीजें होती है, यूज की जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है वो 7 टाइप्स के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 टाइप्स के होते हैं। अब दोनों ही सही कह रहे होते हैं। ये जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास लाइन शो हो रही है। लाइन, अब डिफरेंट टाइप की लाइंस हो सकती है, कर्व लाइन हो सकती है, डॉटेड लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, इस तरह के डिफरेंट टाइप की लाइंस जो है वो यूज होती हैं पोस्ट के अंदर। कलर्स हम बात करेंगे, कलर्स जो है डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज होते हैं। अब देखें, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक सी चीज हो तो वो कैसा इंप्रेशन देती है आपको? बीच में कुछ पता नहीं लगेगा क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही। ठीक है, क्या शेप बनी हुई है, किसी चीज का आइडिया नहीं होगा। इसलिए कलर्स बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेस्टिसाइड कंपनी के लिए काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी कि ग्रीन कलर के साथ प्रेजेंट करना है। ठीक है, कॉफी, किसी होटल वगैरह या कॉफी शॉप के लिए आप वर्क करते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो आपके माइंड में फौरन से आ जाएगा पोस्ट बनाते हुए कि ब्राउन सा कलर हमें यूज करना है, कॉफी कलर हमें यूज करना है इसके अंदर, ताकि वो चीज अट्रैक्टिव लगे और दूर से देखने में पता लग जाए कि वो चीज किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो ये एक चीज, शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यहाँ पर होती हैं जो यूज की जाती हैं। यहाँ पर देखें, डिफरेंट टाइप की शेप, ये देखें, ये सर्कल है यहाँ पर, ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह की डिफरेंट शेप्स जो होती हैं वो यूज की जाती है एक पोज को रेडी करने के लिए। स्पेस की बात करेंगे, स्पेस होती है ब्रीथिंग स्पेस। स्पेस क्या होती है, जिस तरह यहाँ वर्ड्स के अंदर आपको स्पेस नजर आ रही है, अगर ये स्पेस मैं खत्म कर दूँ यहाँ से, आपको वर्ड्स की समझ नहीं आएंगी क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसको खत्म करने के लिए हमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पर देखें, ये सर्कल अगर हम यहाँ पर उठा कर ले आए और यहाँ पर उठा कर ले, ये सारी चीजें यहाँ पर ले, एक सारा मिक्स कर दें, सारा स्पेस जो है वो खत्म कर दें यहाँ पर, तो क्या होगा? सिंपल ये होगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैसेज आप कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है, मैसेज आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने ऑडियंस के साथ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो हम पिक्चर्स के ऊपर लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बैकग्राउंड यूज करना वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट के साथ आपने प्ले करना होता है। टेक्स्ट के साथ आप प्ले करेंगे तो मैसेज कम्युनिकेट आप करेंगे ना। अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो कुछ चीजें होती हैं जो पिक्चर के साथ आप शो कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टेक्स्ट के साथ आपको शो करवानी पड़ती है। जैसे आप देखते हैं, देखा होगा आपने 50% ऑफ लिखा होता है टेक्स्ट के साथ, तो ये चीजें शो करवानी पड़ती हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्केल यूज किए जाते हैं, लाइनिंग वगैरह यूज की जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, एक आपको शेप नजर आ रही है, ये देखें फिशेज बनी नजर आ रही है, वाटर के अंदर फिशेज है, स्लाइटली मूव कर रहे हैं, बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली बेटा ये होती है ग्राफिक डिजाइनिंग, एक चीज को किसी भी तरह से कन्वर्ट कर देना, ये होती है बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, होप इसकी समझ आ गई होगी। और जरा जल्दी से मुझे यस लिखकर पहले बताएं कि इसकी समझ आ गई है। उतनी देर में हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन करते हैं और देखते हैं अभी। ठीक है, चले, ओके, गुड। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले हम ये देखते हैं कि आपको किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये बैच स्टार्ट होने से पहले मैं सबको इंस्ट्रक्शंस लाजमी देती हूँ, तो आपको भी दे रही हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक डायरी, एक आपके पास वॉल पॉइंट वगैरह लाजमी होनी चाहिए जिसके जरिए आप नोट्स बना सकें।
नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स आप देखें, फुल आप वीडियो आपकी बन रही होती है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो क्या होता है जब आप रिकॉर्डिंग, एक इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग आप देखते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं, दूसरी बार आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नोट्स के जरिए शॉर्टकट कीज जो है वो देख सकेंगे और अपनी असाइनमेंट या उससे रिलेटेड कोई भी वर्क होगा वो आप कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एक आपको असाइनमेंट में हेल्प करती है नोट्स वगैरह, तो ये आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। जो चीज़ हम क्लास में करेंगे सेम वही चीज आपने आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। इसलिए असाइनमेंट का स्टूडेंट्स आप बार बार नहीं पूछेंगे मुझसे, तो जो चीज़ हम क्लास में करेंगे वही आपकी असाइनमेंट होगी। जब तक मैं आपको नहीं कहती चेंज करने का, तब तक आप वही चीज करेंगे जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। असाइनमेंट आपने फेसबुक का जो ग्रुप है वहां पर आपने सेंड करनी है। इसके अलावा ये चैट बॉक्स आपकी ओपन होगी, लेकिन मैसेज आप तभी करेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने आंसर करने के लिए चैट बॉक्स यूज करनी है, अदरवाइज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आपने लेक्चर में, ठीक है। कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर आप ओपन नहीं करेंगे जब आपका लेक्चर हो रहा होगा, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह कोई भी आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल लेक्चर लेंगे और लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे, उसके बाद जब लेक्चर एंड हो जाएगा उस नोट्स के जरिए आप अपनी असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो वॉइस इश्यू होगा तो वो भी आपने अपना नेट बैकएंड पर चेक करना है, क्योंकि टीम बैठी हुई है वो मुझे बता देगी अगर नेट का इश्यू होगा, ठीक है। तो आपने अपना जो नेट है वो स्टेबल आपने कर लेना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो चुका है। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही हमारे पास ये एक इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसी तरह का आपका इंटरफेस जो होगा, मे भी आपको ये वाली चीज ना आए क्योंकि आपका न्यू सॉफ्टवेयर होगा, दैट्स व्हाई आपको ये चीज नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस भी शो होगा। फाइल में जाएंगे, अब देखें यहाँ पर फाइल लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, इस न्यू पर क्लिक करेंगे सिंपल, और यहाँ पर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अब हमारे पास फर्दर साइजेस अवेलेबल है, आर्टबोर्ड के साइजेस। आर्टबोर्ड बेसिकली क्या होता है, व्हाइट कलर का आर्टबोर्ड एक होता है, व्हाइट कलर का पेज, ठीक है, जिसके ऊपर आपने तमाम की तमाम ग्राफिक डिजाइनिंग करनी होती है। सबसे पहले रिसेंट में हमारे पास वो साइजेस होंगे जो आपने मोस्टली यूज किए होंगे, आपके पास तो फिलहाल नहीं होंगे, यहाँ मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। कोई अगर फेवरेट साइज है तो वो आप यहाँ पर सेव कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल से रिलेटेड मोस्टली यूज होने वाले साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है, आर्टबोर्ड के डिफरेंट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, ये मोस्टली यूज होने वाले साइजेस है। वेब के हवाले से डिफरेंट यूज होने वाले जो साइजेस हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। प्रिंट के हवाले से डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। ए फोर साइज का सबको पता होगा, ए फोर साइज कौन सा होता है, जब भी आप फोटो कॉपी करवाने के लिए जाते हैं तो आप ए फोर साइज में फोटो कॉपी करवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपने खुद से कोई साइज क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, प्री सेट डिटेल्स में जाकर यहाँ पर आप सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेक्चर का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर वन है और हमारा बैच नंबर भी, बैच नंबर हमारा 76 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम साइज लेंगे, विड्थ की जगह पर हम लिखेंगे 1080, फिलहाल आपने भी यही साइज लिखना है, साइज आपने चेंज नहीं अभी करना, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने करना है, 1080 आपने हाइट कर लेनी है, ये बेसिकली इंस्टाग्राम का साइज है। तो डिफरेंट साइजेस पर हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पॉइंट्स में हम आएंगे, पॉइंट्स में हमने क्या करना है, यहाँ पर पिक्सल्स कर लेंगे, ठीक है, ये पिक्सल्स आपने कर लिया। ओरिएंटेशन आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं। देखिए मेरे कर्सर की तरफ गौर से देखें, लैंडस्केप व्यू, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल अप टू डाउन होगा, ठीक है, इस तरह करके। तो फिलहाल साइज हमारा सेम है 1080, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टबोर्ड हम यहाँ से ज्यादा भी ले सकते हैं अगर हमें बुक बनानी है, ब्रोशर वगैरह कोई ऐसी चीज बनानी है, ठीक है। फिलहाल हम एक पर ही काम करेंगे, मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, इस ऑप्शन पर जाएंगे अब हम। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक एडवांस से ऊपर तक तो सेम चीजें हैं जो हमने प्रीवियस कर ली है। नीचे आएंगे, कलर मोड देखेंगे, कलर मोड हमारे पास है आरजीबी और रेड, आरजीबी कलर है और सीएमवाई के कलर है। सीएमवाई के कलर कौन सा होता है, जब भी आपने कोई चीज प्रिंट करवानी होती है, ठीक है, तो आप सीएमवाई के कलर करवाते हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग मशीन से रिलेटेड होती है, सपोर्ट कर रही होती है हमने। तो सीएमवाई के सियाल, मरजेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आरजीबी कलर जो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर है, ये बेसिकली जब आपने कोई चीज स्क्रीन टू स्क्रीन भेजनी होती है, जैसे लैपटॉप से फोन में, फोन से लैपटॉप में, ठीक है, व्हाट्सएप से फेसबुक पर, फेसबुक से व्हाट्सएप पर, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आप उसके लिए आरजीबी कलर मोड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट्स जो है वो आपने सेम अपनी इतनी रखनी है, ये पहले आप थोड़े रखेंगे उसके बाद आप ज्यादा करेंगे। क्रिएट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर अब हमने
ये हमारा पेज आ गया, ठीक है, ये आपका आर्टबोर्ड आ गया, व्हाइट कलर का आर्टबोर्ड है, सारे का सारा काम आपने इसके ऊपर करना है। जब आपने ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और इसके लिए सेटिंग जरूरी है, ठीक है, वो आपने स्टार्टिंग में कर लेनी है जब आपके न्यू सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। विंडोज में जाएंगे, विंडोज में आपके पास कंट्रोल का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल के ऑप्शन के ऊपर आपने टिक मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप जाएंगे विंडोज के ऊपर ही जाएंगे, टूल बार का ऑप्शन नजर आ रहा है, टूल बार के ऑप्शन के ऊपर आपने जाकर यहाँ पर एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके ये सारे यहाँ पर टूल जो है ना, ये सारे आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। पहले कम हो रहे होंगे, फिर आपके एडवांस आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मेरे को टूल नजर आ रहा है, आपके नहीं नजर आ रहा तो परेशान नहीं होना, आपने टूल जो है वो आपको सारे विंडोज में मिल जाएंगे, वहां से आपने ले लेंगे। जिस तरह आप अपने फोन को रीसेट कर सकते हैं, सेम उसी तरह आप अपने सॉफ्टवेयर को भी रीसेट कर सकते हैं। विंडोज में जाएंगे, यहाँ पर वर्क स्पेस नजर आ रहा है, वर्क स्पेस पर आपके पास फर्दर यहाँ पर रीसेट असेंशियल का ऑप्शन नजर आ रहा है, रीसेट असेंशियल क्लासिक, यहाँ पर रीसेट असेंशियल लिखा होगा या क्लासिक लिखा हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाएगा, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिफ्थ स्टेप है हमारा, व्यू में जाएंगे, व्यू में आपके पास एक प्रिंट होगी, यहाँ पर नीचे अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करते जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक बल्कि ये स्मार्ट गाइड है हमारे पास यहाँ शो हो रही है। स्मार्ट गाइड के ऊपर आपने टिक कर लेना है, ये बेसिकली पिंक कलर की लाइन होती है जो एक शेप को दूसरी शेप के, मैडम स्टूडेंट्स कह रहे हैं थोड़ा सा स्लो प्लीज, इक्वल लेकर आती है इस चीज को। चले अब हम जरा वर्क करने वाले हैं यहाँ पर, और वर्क देखेंगे हम किस तरह टूल्स को यूज करेंगे, किस तरह शेप्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ये चीजें अब हम देखेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सारी आपकी सेटिंग्स वगैरह और ये सारी एक्स्ट्रा चीजें थी। अब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आएंगे, जो आपने असाइनमेंट करनी है और जो आपने वर्क करना है, ठीक है। तो नोट्स अपने रेडी करने हैं, अपने नोट्स साथ साथ लिखते जाएंगे, ये सारी चीजें ना एरो डालकर आप लिखते जाया करें, वर्क विंडोज, विंडोज के आगे एरो डाला करें, उसके बाद आप लिखा करें टूल बार, टूल बार के आगे एरो डाला करें एडवांस, इस तरह करके आप ना अपने जो नोट्स होते हैं उन्हें रेडी किया करें, ठीक है। चलें जी, अब हम जरा इसके ऊपर आते हैं, अपने वर्क के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको कीज बताना चाहती हूँ, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको वर्क के अंदर हेल्प आउट हो, ठीक है। तो सबसे पहले जूम करने के लिए हम देखेंगे, जूम करने के लिए यहाँ पर जूम इन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस करेंगे, जूम इन करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस करते जाएंगे, जूम इन आपका होता जा रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है आपको 64,000% आपको ये जूम इन प्रोवाइड करता है, इसलिए आप डिटेल्स में जाकर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस, अब आपने ये अपने नोट्स में लिख लेना है, जूम आउट उसके आगे एरो डालकर कंट्रोल माइनस, ठीक है, शॉर्टकट की आपकी हो गई, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो गया, ठीक है। ये देखें अब ये स्क्रीन हमसे छूट गई है, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्क्रीन लाने के लिए अब आप क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट स्क्रीन के लिए आप कंट्रोल जीरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक ये छोटी सी मैंने आपको कीज बताई है ताकि आपको आइडिया हो जाए चीजों का। अब हम अपने टूल्स के ऊपर मूव करेंगे, टूल्स बेसिकली हमारे फर्स्ट टूल है हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, ये सारे आपके पास टूल्स है, ठीक है। फर्स्ट टूल है हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल, नेम से ही पता लग रहा है सिलेक्शन के काम आएगा, तो हम इसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्लिक करें, इसे सिलेक्ट करते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के काम आएगा, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, कॉपी करवाना है, कुछ भी करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आपको सिलेक्शन टूल ही काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टूल की तरफ मूव करते हैं और कुछ हम चीजें लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल टूल अवेलेबल है जिसकी शॉर्टकट की है एम, ठीक है, एम फॉर मंकी, ठीक है, ये हमने शॉर्टकट की है ये इसकी। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ नंबर पर हमारे पास ये है, और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे एरोज नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे एरोज यहाँ पर होंगे, वहां पर आपने राइट क्लिक करना है अपने माउस से और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं जरा जूम इन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो। चले यहाँ पर अब हमने शेप बनानी है, कैसे शेप बनाएंगे ये चीज अब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गौर से सबने देखना है, एक्टिव हो जाए सब। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग से मतलब मेरा क्या है, क्लिक के साथ आपने ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और साथ में आपने मूव करवाना है अपने कर्सर को, ठीक है। तो साथ साथ ये दोनों वर्क आपने करनी है। तो जब भी मैं क्लिक एंड ड्रैग कहूंगी, कहीं पर भी मैं क्लिक एंड ड्रैग कहूंगी, तो इसका मतलब यही होगा कि आप क्लिक के साथ साथ ड्रैग भी कर रहे हैं, ठीक है, मूव करवा रहे हैं अपने इसको। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कलर्स जो है वो यहाँ पर जरा कलर्स में जरा ले लेती हूँ, फिलहाल मैं आपको बाद में जरा कलर्स के बारे में गाइड करती हूँ।
चलें जी, ये हमारी एक शेप रेडी हो गई है और अब हमने क्या करना है, अपनी सेकंड शेप की तरफ जाएंगे। सेकंड शेप है हमारे पास यहाँ पर, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और सेकंड शेप हमारी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेकंड शेप है राउंड रेक्टेंगल टूल, और राउंड रेक्टेंगल टूल हमने यहाँ से ले लिया है। ये देखें, यहाँ से हमने राउंड रेक्टेंगल टूल लिया है और अब हमने यहाँ पर देखें क्लिक कर रहे हैं सिंपल, तो ये देखें क्लिक कर रहे हैं तो ये एक ऑप्शन हमारे पास आ गया। ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि आप किस साइज का लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस साइज की शेप लेना चाह रहे हैं, तो ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये वाला साइज आ गया। फिलहाल हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करके खुद बनाते हैं साइज। ठीक है, ये देखिए पिंक कलर की लाइन शो कर रही है, इसकी इक्वल आ गया है। यहाँ पर देखिए मिड में शो कर रही है, या कर्सर को मिड में ला रहे हैं, शो कर रही है मिड में आ गया। ठीक है, इस तरह चीजों के साथ आप प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम एक ये देखें, हमने ये बना ली। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग हमने किया। जल्दी से मुझे यस लिख कर बताएं आपको क्लिक एंड ड्रैग भी समझ आ गई है। जल्दी से बेटे आंसर करें। ओके गुड, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट शेप हम बनाते हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, राइट क्लिक के बाद यहाँ पर एलिप्स टूल हमारे पास शो हो रहा है। एलिप्स टूल बेसिकली आपका सर्कल होता है। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखें ये क्या बन गया है, ये क्या चीज बन गई यहाँ पर, ये देखें ये क्या बन गया है, ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ, ये क्या चीजें बन गई हैं, ये एक इररेगुलर सी शेप बन गई। हमें एग्जैक्ट सर्कल चाहिए, वो कैसे करेंगे, एग्जैक्ट चीज बनाने के लिए, एग्जैक्ट चीज को बड़ा छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, आल्ट और शिफ्ट भी साथ में प्रेस करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग तो करेंगे ही, आल्ट और शिफ्ट भी साथ में प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमने आल्ट और शिफ्ट भी प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग भी साथ में किया, ये सब चीजें हमने साथ साथ करनी है। ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट शेप की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। देखें ये मिड में आ चुकी है और यहाँ पर क्लिक करेंगे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, एग्जैक्टली हम यहाँ पर ये देखें ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार शेप लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक किया, स्टार शेप ले ली और यहाँ पर भी ये मिड में आ चुके हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से हमने एग्जैक्टली यहाँ पर स्टार बना लिया। यहाँ से जाकर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं अब हम अपना, जरा इसे इक्वल इक्वल करेंगे और यहाँ पर इसे उठा कर लेकर आएंगे। उठाना आपने कैसे किसी भी चीज को, ये देखें यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, इसकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, हर चीज क्लिक एंड ड्रैग आल्ट और शिफ्ट के ऊपर है, आपने हर चीज में ये चीजें यूज होनी है। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लिया। ये देखें ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है, तो जब मेरा कर्सर यहाँ पे है देखें यहाँ पर, तो सिंपल मेरा एरो शो हो रहा है। जब भी मैं इसके ऊपर जाऊंगी यहाँ पर शेप के ऊपर, तो ये देखें मेरे कर्सर के पीछे एक बॉक्स बना नजर आ रहा है, इससे पता लग गया कि ये सिलेक्शन के काबिल हो चुका है। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, कहीं पर भी इसे मूव करवा सकते हैं। फिलहाल कंट्रोल जेड करते हैं, बैक स्पेस करने के लिए यूनिवर्सल की है, बैक जाने के लिए आप कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके, यहाँ पर हम अपने असाइनमेंट को रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम टेक्स्ट के साथ प्ले करेंगे। 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है। टेक्स्ट हम लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पर देखें ये क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं बेसिक शेप्स। ये देखें बेसिक शेप लिखा है और यहाँ पर एक तो आप यहाँ से साइजेस ले सकते हैं, आपके पास डिफरेंट साइजेस जब आप लिखते हैं ना तो यहाँ पर साइजेस आपके पास शो होते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसे देखें यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हैं इस एरो के जरिए, ये डबल एरो बन गई, इसके जरिए क्लिक एंड ड्रैग किया और साथ में आल्ट और शिफ्ट प्रेस किया, एग्जैक्ट बड़ा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आईड्रोपर टूल लेंगे, यहाँ पर ये आपके पास टूल शो हो रहा है आईड्रोपर टूल, शॉर्टकट की है आई और यहाँ से हमने आई ले लिया, इसे सिलेक्शन की हुई है। अब जहां से हमने लेनी है चीज उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है और ये हमारे पास कलर आ गया। ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जरा चले यहाँ पर साइड पर जरा करके रख लेते हैं इसे। ठीक है, ये हमारी शेप्स रेडी हो गई। अब हम फर्दर शेप्स की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर पॉलीगॉन टूल लेंगे। चले जी, ये पॉलीगॉन टूल लेते हैं, आल्ट और शिफ्ट की मदद से हमने इसे यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर सिलेक्शन टूल हम लेते हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल नेक्स्ट चीज की तरफ आएंगे। चले जरा मुझे जल्दी से बताएं यहाँ तक आपको समझ आ गई है, जल्दी से मुझे यस लिखकर बताएंगे। हरिया बेटा जल्दी जल्दी आंसर करें। ओके दैट्स गुड। आल्ट और शिफ्ट अंदर लाजमी है, क्लिक एंड ड्रैग लाजमी, ये दो चीजें आपकी लाजमी है। ठीक है,
ये दो चीजें ही आपकी जो है वो हर जगह पर आपके यूज होंगी ओवरऑल आपको इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए। अब देखें, अब हम इसकी कॉपी लेंगे, एक तो यूनिवर्सल की है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर जो इलस्ट्रेटर, यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हैं कंट्रोल सी और वी से, लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसकी मदद से आप करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप कैसे कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे, आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, क्लिक को भी होल्ड करके रखेंगे, आल्ट और शिफ्ट को भी होल्ड करके रखेंगे, और साथ में ये देखें क्लिक एंड ड्रैग आपने किया और यहाँ पर अब लाकर आपने रख दिया। ऐसे नहीं रखना आपने कीज छोड़ देनी, ऐसे नहीं करना आपने, पहले आपने अपना क्लिक रिलीज करना है, देन आपने अपनी जो कीज है आल्ट और शिफ्ट वो रिलीज करनी है और आपकी कॉपी हो गई, ठीक है। अभी इसकी सिलेक्शन हुई हुई है और आपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए, अभी जल्दी से नोट्स में लिख लें जल्दी से फास्ट फास्ट। तो अब हमने इसे यहाँ पर लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी फॉर डॉग, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे लास्ट स्टेप को रिपीट किया और ये देखें रिपीट हो गया, ठीक है। ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं इसे और कॉपी करेंगे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, लेकिन हम इस बार एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना चाह रहे, एग्जैक्ट करने के लिए आप आल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हैं ना एग्जैक्ट चीज के लिए, ठीक है। तो अभी हम एग्जैक्ट नहीं करना चाह रहे, हम रैंडम साइज को लेकर जाना चाह रहे, कहीं भी इधर लाना चाह रहे, लेकिन वो ना जब मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करती हूँ तो वो नहीं जा रहा, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल आल्ट प्रेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे आल्ट प्रेस करेंगे और आप पहले अपनी जो है क्लिक रिलीज करेंगे, देन आप अपना आल्ट रिलीज कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कॉपी हो गई, अब हमने एग्जैक्ट कॉपी करना है, आल्ट और शिफ्ट से कॉपी करेंगे, जल्दी से मुझे आंसर करें, आल्ट और शिफ्ट हम किस लिए प्रेस करते हैं, जल्दी से बेटे आंसर करें, कंट्रोल डी करेंगे लास्ट स्टेप को रिपीट कर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर करें, एग्जैक्ट कॉपी के लिए, ओके, एग्जैक्ट कॉपी के लिए नहीं, सिर्फ एग्जैक्ट चीज के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट चीज के लिए, एग्जैक्ट छोटा बड़ा करना है, एग्जैक्ट कॉपी करना है, ठीक है, जो भी आपने एग्जैक्ट करना है वो आप आल्ट और शिफ्ट के साथ करेंगे। चलें जी, अब हम ये वाली शेप जो है ना, ये जो सेकंड लाइन है इसको सिलेक्ट करते हैं, जरा यहाँ पर सेकंड लाइन के बाद अब हमने यहाँ पर ये वाली लाइन सिलेक्ट नहीं करनी, नीचे वाली बल्कि करनी, एक छोड़कर एक करना चाहते हैं, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड मतलब आपने उसको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है आपने उसे, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन कर ली क्लिक एंड ड्रैग से, क्लिक एंड ड्रैग से ये सिलेक्शन कर ली, क्लिक एंड ड्रैग से हमने ये सिलेक्शन कर ली, ये सिलेक्शन हो गई अब हमारी, अब हम कलर देखेंगे, कलर आप किस तरह करेंगे, कलर पे जाते हैं जरा, यहाँ पर ये कलर्स आपको शो हो रहे हैं, डबल क्लिक इसके ऊपर आकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कलर शो हो रहा है, इसका लाइटर जरा ले जाते हैं और यहाँ से लाइट कलर देखें, पहले ये वाला कलर था अब ये हो गया, ओके करेंगे और ये हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसे एग्जैक्ट छोटा करेंगे, एग्जैक्ट छोटा कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे आप, एग्जैक्ट छोटा किया है हमने इसे, यहाँ से इसे कॉपी लेकर आएंगे, कॉपी करने का वे अब आपको पता लग गया क्या है, और यहाँ से अब हमने टी प्रेस कर लिया है, टी फॉर टेक्स्ट, और यहाँ पर ये देखिए एक लाइन सी आ रही है और इसके जरिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर पॉलीगॉन लिख देते हैं, पॉलीगॉन शेप्स, ठीक है, पॉलीगॉन शेप्स हमने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर लाकर जरा रख दें, थोड़ा सा हम इसे ना छोटा कर देते हैं, चले यहाँ पर लाकर हमने इसे रख दिया और ये हमारी शेप्स रेडी हो गई। अब हमने फर्दर शेप्स की तरफ मूव करना है, फर्दर हम कौन सी शेप यहाँ पर बनाएंगे, एक स्टार शेप लेते हैं यहाँ पर और स्टार शेप यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये हमने एक स्टार बना लिया और यहाँ पर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, चले जी ये हमने लिया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाएंगे, अब ऐसे आपने एरो डालकर ना ऐसे करते जाना है, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे गए हैं हम और यहाँ से रोटेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम कोई नंबरिंग सेट करेंगे, इसका एंगल सेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 6 या 7 हम रख लेते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू, अब ये सॉफ्टवेयर आपको प्रीव्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो ये देखें प्रीव्यू अब ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर जरा हम 8 कर लेते हैं, जरा ज्यादा कर लेते हैं, तो अब हम जरा प्रीव्यू पे जाते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कॉपी करना चाह रहे हैं या एग्जैक्ट ओके करना चाह रहे हैं, हम कॉपी करना चाह रहे हैं फिलहाल, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे लास्ट स्टेप रिपीट करने के लिए, तो ये देखें ये हमने कर लिया। अब मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे, ये आपको पता है मल्टीपल सिलेक्शन हमने कैसे करनी है, जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उन्हें पता लग गया होगा, शिफ्ट प्रेस करना है, एक छोड़कर एक को सिलेक्ट करना है
ठीक है, यहाँ पर एक छोड़कर एक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल, आई शॉर्टकट की है, उसे यहाँ पर लाकर क्लिक करेंगे और ये हमने कलर चूज कर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह इसका जो यहाँ पर आल्ट और शिफ्ट की मदद से हम इसको एग्जैक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार शेप, ठीक है, ये स्टार शेप हमने लिख दी और यहाँ मिड में ले आए इसे। अब हमने फर्दर शेप की तरफ मूव करना है और यहाँ पर हम राउंड रेक्टेंगल टूल लेते हैं जरा, और यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग सिंपल करना है, हमने एग्जैक्ट उसे नहीं बनाना, ठीक है, इस तरह नहीं हमने करना, हम इसे यहाँ पर नीचे जरा करना चाह रहे हैं, लाइन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और इसे इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद ट्रांसफॉर्म में सेम वही प्रोसेस है, इसे हम रोटेट करने लगे हैं, ठीक है, रोटेट करेंगे और यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि 8 है तो हमें यहाँ पर 6 चाहिए, तो फिलहाल अगर हम 6 करना चाह रहे हैं तो प्रीव्यू चेक करते हैं, ओके कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते जाते हैं, ये देखेंगे मजे का व्यू बन रहा है, ओके जी, तो इसको भी ऐसे करेंगे, वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे और ये देखें वन बाय वन शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, ये सिलेक्शन होती जाएगी, एक छोड़कर एक सिलेक्ट करेंगे और इसका हम कलर चेंज कर देंगे। इसी तरह आप अपनी असाइनमेंट में डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा अच्छे कलर्स चूज करें, ठीक है। आईड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ पर ये हमने चूज कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये देखिए इस तरह का हमारे पास व्यू आ गया और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे ले जाते हैं और अब हम लिखते हैं शेप रोटेशन, ठीक है, ये हमने शेप रोटेशन लिख ली यहाँ पर और इसी तरह हम इसे यहाँ पर ले, एक और शेप हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर और वो हम सिंपल जो रेक्टेंगल टूल है वो लेकर और यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स हमने बना दिया अल्ट और शिफ्ट की मदद से एग्जैक्टली और यहाँ पर एडिट में गए, एडिट में जाकर कॉपी किया, ठीक है, नोट्स में हम लिख लें, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर ये एरो नजर आ रहे हैं ऊपर जब जा रहे हैं तो एक यहाँ पर एरो, दो एरोज बन गए, ठीक है, ये देखिए तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और इसे यहाँ पर मूव करवा देंगे, ठीक है, चलें इसे जरा जूम करते हैं यहाँ पर और कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर, दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, सॉरी मैंने पेस्ट इन फ्रंट नहीं किया था, तो कॉपी करेगा, दोबारा जाएंगे पेस्ट इन फ्रंट करेंगे और यहाँ से अब हम इसे रोटेट करेंगे, ये देखें जरा, ठीक है, तो अब इसके बाद दोबारा से कॉपी करेंगे, एडिट में जाएंगे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट इन फ्रंट कर देंगे, दोबारा से एडिट में जाएंगे पेस्ट इन फ्रंट कर देंगे और यहाँ से हम ये देखें इसे थोड़ा सा और रोटेट करेंगे, इसे भी जरा सेट कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर जो है कलर वो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दो कलर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला कलर लेकर आते हैं, ठीक है, एक छोड़कर एक हमें करना था, हमने ये ऊपर वाला कर, चलें जी ये हो गया, अब हमने इन्हें सिलेक्ट करना है ओवरऑल और यहाँ पर इसे जरा एग्जैक्टली हम छोटा कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लाकर इसे रखेंगे और यहाँ पर इसकी कॉपी लेंगे और इसकी शेप का नेम चेंज करेंगे, यहाँ पर ये भी शेप रोटेशन है, तो शेप रोटेशन ये भी एक शेप रोटेशन का एक वे होता है, ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे यहाँ पर। अब फर्दर हम मूव करेंगे, फर्दर हमारे पास है स्क्वायर बॉक्स के साथ, हम प्ले करेंगे स्क्वायर बॉक्स के साथ, एक 3D बॉक्स हम बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल टूल लिया यहाँ पर, एक स्क्वायर बॉक्स डिजाइन कर लिया, ठीक है, इसे यहाँ पर हम लेते हैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से एग्जैक्टली ऊपर कॉपी लेंगे इसकी और यहाँ पर भी एग्जैक्टली कॉपी लेंगे, ठीक है, ये हमने कॉपीज ले ली यहाँ पर और इनका कलर हम जरा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये कलर कर लिया और इसका कलर भी हम चेंज करते हैं, तो फिलहाल यहाँ से ये वाला कलर ले लें, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसे हमने 3D बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल का बिल्कुल साथ है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, एक कॉर्नर से उठाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आ जाए, ठीक है, इसी तरह आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्शन की और यहाँ पर ला कर रख दिया, ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स जो है वो बन गया, ठीक है, ये देखिए हमारे पास 3D बॉक्स हमारे पास बन गया है, इसे जरा उठाते हैं और यहाँ पर ला कर रख देते, ठीक है, यहाँ पर इसका नेम नीचे लेकर आते हैं और 3D बॉक्स, ठीक है, ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है।
अब हमने क्या करना है यहाँ पर कुछ और शेप्स के साथ जरा प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमने एलिप्स टूल ले लेना है, जो हमारा सर्कल है वो हम लेंगे, यहाँ पर शेप ले लेंगे और यहाँ पर अब हमने क्या करना है सिंपल इसे बना लेना है सर्कल को। और यहाँ पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सिलेक्शन के जो काम आता है इसको हम चूज करेंगे। और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट एक नजर आ रहा है, तो इस एंकर पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये देखिए पॉइंट्स आ गए आपके, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसे जरा सा क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर को मूव करवाना है, तो ये देखिए एक टाइप बन गया, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग करके इसकी कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी से लास्ट स्टेप रिपीट करेंगे और इसे ओवरऑल सिलेक्ट करके हमने इसे एग्जैक्टली यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। ये हमने एग्जैक्टली रख लिया, अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेजर टूल का यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये लेकर आते हैं और रेजर टूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो रेजर टूल के लिए आपके पास शॉर्टकट की होगी, रेजर टूल बड़ा करने के लिए बिग करने के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर ये वाली की, ठीक है। इसी तरह रेजर टूल को स्मॉल करने के लिए आप करेंगे यहाँ पर ये वाली की, ठीक है। ये आप जो ब्रैकेट्स होती है ना कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं आपके यहाँ पर वो आप यूज करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करते हैं, रेजर टूल यहाँ से चूज करते हैं, ये आपके पास रेजर टूल है, शिफ्ट और ई इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट ई, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और ये हमारे पास, अब इसे जूम करेंगे तो हमें जरा छोटा चाहिए, तो छोटा कैसे इसे करेंगे, आपके पास मैंने कीज आपको बताई हुई है, तो आपने ओपन की जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें बाहर की साइड से, ये देखें जरा दोबारा करते हैं, बाहर से आपने यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करना है और ये देखें आपने इस तरह करके बाहर निकाल देना है, तो ये देखें बाहर निकाल के छोड़ दिया। तो अब सिलेक्शन टूल दोबारा से लेते हैं और इसे देखें अब हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ मूव करवा दें, ठीक है। ये देखें ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, यहाँ पर एक सर्कल हम लेते हैं जरा और आईड्रोपर टूल से कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर इसको लेकर आते हैं जरा और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ना नीचे वाला जो पोर्शन इसे ऊपर लेकर आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट के जरिए हम इसे ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, इस तरह। और अब इसके साथ प्ले करते हैं, इसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर रेजर टूल हम दोबारा से लेते हैं और यहाँ पर देखें जिस तरह हमने पेप्सी वगैरह के कैप सीखे होंगे तो उनके ऊपर जिस तरह का डिजाइन किया होता है, इस तरह कटिंग की होती है ना, तो सेम वही चीज हम जरा कर रहे हैं उसके जैसी। तो यहाँ पर आपने इन चीजों को कट कर लेना है, ठीक है, रैंडम सा बिल्कुल हम कर रहे हैं, कट कर लेना है आपने। और अब हमने दोबारा से सिलेक्शन लेनी है इसकी और यहाँ पर एक एक शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ये शेप्स को हमने वन बाय वन सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब इस तरह हमारे पास बन गया, ठीक है, ये मजे का लुक आ गया हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये स्टार्स लेकर आते हैं जरा और यहाँ पर लाकर इसे रख देते हैं, ठीक है, ये बैक पर इसके आ गए, ये देखे जरा, ठीक है। इसी तरह अगर इसे करना चाह रहे हैं यहाँ से ये लेकर आते हैं और यहाँ पर बल्कि ये हाफ हो गए हैं, ओवरऑल हम इसे लेकर आएंगे यहाँ पर और इसे कॉपी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रेजर टूल लेंगे, रेजर टूल को इस बार हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखें ये हमने बड़ा कर लिया। और यहाँ पर लाकर सिंपल क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर ये सिलेक्शन ही मैंने सीखी हुई, तो यहाँ पर सिलेक्शन इसके करते हैं और रेजर टूल यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं सिंपल, और ये देखिए इसके अंदर एक हॉल सा बन गया, ठीक है। इसे ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं, छोटा करेंगे इसे और छोटा करने के बाद हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर लाकर प्लेस कर, ठीक है। ये थी आपकी ओवरऑल असाइनमेंट। अब हम इसे सेव कैसे करना है ये वे भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाना है, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर आपने एक हिडन बॉक्स यहाँ पर बनाना है और ये आपने बॉक्स बना दिया, इसका फिल और स्ट्रोक, इसका फिल आपने यहाँ से ना ऐसे करके। मैडम बच्चे कह रहे हैं कि आज आप बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, तो थोड़ा सा प्लीज इनको स्लो पढ़ाइए क्योंकि कुछ आखिर में बातें इनको नहीं समझ आई। दोस्तों जरा हम चाहेंगे कि आप एक लेक्चर दोबारा लेक्चर नंबर टू को रिवाइज करवाइएगा क्योंकि कुछ चीजें आज इनके लिए टफ हो गई हैं। इट्स एन रिक्वेस्ट, ठीक है जी जी।
तो थोड़ा सा मैंने शुरू में भी आपको अलर्ट किया था कि बच्चों का थोड़ा सा जो है ना वो टेम्परामेंट वो बेसिक लेवल का है, वो बिगनर्स हैं और आप थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही है। वेल नो वरीज स्टूडेंट्स, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो वरीज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट हम कोशिश करेंगे और मिस भी कोशिश करेंगी और हम मेक श्योर करेंगे कि जो आने वाली क्लासेज हैं वो स्लो हों हमारी आपके लिए। इस वक्त जी मैडम मैं क्लोज कर सकता हूँ इसको बस थोड़ा सा मैंने सेव करने का वे बता दूं जी, क्विकली प्लीज। जी जी ये टाइम शॉर्ट की वजह से बेटा, ये दरअसल ना ये जो फास्ट मैं थोड़ा सा मूव कर रही होती हूँ, टाइम शॉर्ट की वजह से मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि आपको हर चीज कवर करवानी होती है। अगर ये फर्स्ट लेक्चर का आपको कवर ना करवाती तो आपका ये फर्स्ट सेशन रह जाना था और इसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आनी थी, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग्स आपने देख लेनी है, स्टॉप कर करके आपने चीजों को देखना है। फाइल पर जाएंगे, फाइल पर अब हमने सेव करना है इसे, सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका इस टाइप की फाइल जो आपके पास सेव होगी। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करना है, AI फॉर्मेट आपने रख लेना है, ठीक है? सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। सिंपल आपने क्या करना है, ओके कर देना है इसे, ठीक है? ये आपके पास सोर्स फाइल है जो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी एडिट करने की तो आप इसे एडिट कर सकते हैं ओपन करके, ठीक है? अब वो फाइल जो आपने सेंड करनी है वो कैसे करेंगे, फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट एज के ऑप्शन नजर आएगा, उस एक्सपोर्ट एज के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और अब आपके पास ये वाली फाइल आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है DWG के ऊपर और JPG आपने फॉर्मेट इसका रखना है, ठीक है? ये फॉर्मेट है, आपने इसे सेव कर लेना है, ठीक है? ये आपने सेव किया, ये ऑप्शन आ गया, इसके अंदर आपने इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी है और यहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज करनी है। RGB कलर मोड रखना चाह रहे हैं तो वो आपने रखना है। सिंपल आपने इसे ओके कर देना है। ये फाइल अब आपकी सेव हो चुकी है, आपने वहां से जाकर लेनी है और अपने पोस्ट कर देनी, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप जल्दी से मुझसे कर लें।